मात पिता की सेवा करके कोटि ने तीरथ फल पाई। एक बार की कथा है कि देवताओं की मीटिंग हो रही थी, जिसमें सभी देवता इस विषय पर सलाह कर रहे थे कि शंकर भगवान के दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय महाराज। दोनों में से प्रथम पूज्य किसको बनाया जाए। तो शर्त ये रखी गई, जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट कर आएगा उसको प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए यात्रा शुरू करते हैं और गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठकर परिक्रमा शुरू करते हैं। गणेश का वाहन कमजोर था, चूहा कमजोर था, स्पीड पकड़ता नहीं था। गणेश के भक्तों ने अपने अपने वाहन सब चेंज कर लिए, साइकिल से मोटरसाइकिल और कार और सब व्यवस्था बना दी, लेकिन गणेश के भक्तों ने अभी अपने इष्ट देव गणेश का वाहन चेंज नहीं किया, वो चूहा ही है। थोड़ा गणेश पर भी ध्यान दो आप। तो गणेश जी रोने लगे, दुखी हो गए। तो नारद जी ने कहा, गणेश रो मत, तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो ना करो, लेकिन अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ जाओ, यहाँ हाथ जोड़कर, आगे की बात बन जाएगी। जब माता पिता की परिक्रमा करके गणेश जी बैठ गए और बात को परिक्रमा करके कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का राउंड करके लौटे, तो मीटिंग में ये बात रखी गई कि ये तो गणेश तो परिक्रमा करने गया ही नहीं, ये तो माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गया। नारद जी बोले कि जब परिक्रमा इसने नहीं किया है, सारी पृथ्वी माता पिता से भरी हुई है और माता पिता ही सब पृथ्वी पर रहते हैं, तो जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ले उसकी समझो पृथ्वी की परिक्रमा हो गई है। इसलिए गणेश प्रथम पूज्य है, क्योंकि इन्होंने माता पिता को पहचाना और कार्तिकेय ने पृथ्वी की तो परिक्रमा की पर माता पिता की परिक्रमा नहीं की, इसलिए गणेश जो है प्रथम पूज्य बनेंगे और कार्तिकेय प्रथम पूज्य नहीं बनेंगे। घोषणा हो गई, तालियां बज गई और तब से गणेश जी को प्रथम गणेशाय नमः लिखा जाता है। ये माता पिता का महत्व होता है और बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके आशीर्वाद लेकर कोई कार्य प्रारंभ करोगे, सफल हो जाओगे। जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेता हूँ कि प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री क्षमादेव जी के चरणों का आशीर्वाद लेकर सुखद सत्संग कथा में हम प्रवेश करते हैं, सफलता वहां से मिलती है। संत के लिए गुरु महान होता है और गृहस्थ के लिए माता पिता महान होते हैं और संपूर्ण संसार के लिए सद्गुरुदेव महान होते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव का ध्यान तो सबको करना चाहिए और अपने घर को ही तीर्थ बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइए और घर को मंदिर का रूप दीजिए। परस्पर प्रेम से रहना सीखिए, कलह कलेश करना बंद कीजिए। कभी राम का रूप धारण करके इतने सरल बनो कि जैसे राम सरल थे, कभी लक्ष्मण जैसे वीर बनो, अपने भाई की सेवा कर दो, कभी भरत जैसे बनकर अपने भाई से प्रेम करो, कभी शत्रुघ्न बन करके घर में मौन रह करके घर को टूटने से बचा लो, कभी कौशल्या बन करके कुशलता पूर्वक घर का नेतृत्व करो और कभी सुमित्रा बन करके सुंदर मित्रता का भाव रख करके घर को डील करो और कभी भी कई कई बन करके कई के कहने में आकर के घर को डिस्टर्ब मत करो। कई कई नहीं बनना है आपको, कौशल्या और सुमित्रा बनना है। तो मैं आपको बता रहा था कि चार आश्रम होते हैं। आइए थोड़ा प्रकाश डालता हूं। विद्यार्थी के लिए दो बातें तीन बताया था, दो और बताना है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव। विद्यार्थी जो सफल होना चाहते हैं, जो विद्यार्थी ऊंची सर्विस में जाना चाहते हैं, पहली बात तो उनको फैशन में ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। ये फैशन की दुनिया में बड़ा खतरनाक मामला हो चुका है। बहुएं फैशन में, बेटे व्यसन में और माता पिता टेंशन में। हाँ,
व्यसन में मत डूबिए। शराब पीना अपने घर की प्रॉपर्टी को बिगाड़ने की तैयारी है। अपने भाइयों को भी टेंशन में मत डालिए, माता पिता को चिंता मत दीजिए शराब पी पी करके। याद रखना, जब तुम्हारा जन्म हुआ था बचपन में शराब नहीं पीते थे तब कैसे जिंदा रहते थे? 20 साल की उम्र में शराब नहीं पीते थे तब तुम जिंदा रहते थे? और जब तुम बीमार हो जाते हॉस्पिटल में एक महीने भर्ती रहते वहां शराब नहीं पीते तब तुम जिंदा रहते हो? और जेल में चले जाते हो 10 साल तक वहां शराब नहीं पीने को मिलती तब तुम जिंदा रहते हो? तो याद रखना, अपने घर में अगर शराब नहीं पियोगे तो क्या तुम जिंदा नहीं रहोगे? इसलिए घर में नहीं पीना चाहिए। और ज्यादा होटलों में खाने भी जाया मत करो, घर में भोजन खाया करो। जिसका पति बहुत होटल में चला गया तो धीरे धीरे वो बोतल में चला जाएगा और फिर तुम जान भी नहीं पाओगी, वो टोटल में चला जाएगा। इसलिए बुद्धिमान स्त्रियां अपने घर में सुंदर भोजन बनाकर कोमल हाथों से अपने अपने पति को परोस कर खिलाती हैं ताकि उनका पति होटल में जाने ना पाए। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, होटल में कभी खाना पड़े तो पूरे परिवार से जाकर खा लीजिए। और होटल ऐसा हो जो शाकाहारी हो वहां, और साधु संत को तो किसी भी होटल में नहीं खाना चाहिए, ये साधु संत महात्मा। चौथी चीज, विद्यार्थी को अल्पहारी होना चाहिए। अल्पहारी किसे कहते हैं? कम भोजन खाना, थोड़ा सा भोजन कम कीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी, ये चार भोजन ऐसे हैं जिसमें सभी तत्व मिल जाते हैं। थोड़ा विद्यार्थी को एक चम्मच घी भी खाना चाहिए और विद्यार्थी को थोड़ा सा दूध आधा गिलास पी लेना चाहिए शाम को। और विद्यार्थी को कभी कभी एक केला भी खाना चाहिए, इससे बुद्धिवर्धक तत्व पैदा होते हैं। और विद्यार्थी को जोर से हंसना भी चाहिए, हंसने से बुद्धि बढ़ती है। इस पर ट्राई करके देख लो आप, इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है कि जब आदमी हंसता है तो इस मनुष्य के शरीर में एंटोडर्फिन्स केमिकल पैदा होता है हंसने से, और वो केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। और 30 साल की उम्र के बाद में हंसना बंद हो जाता है, 40 साल में तो बिल्कुल गुजराती ताला लग जाता है, और 70 साल में लोग तो हंसते ही नहीं। और हंसी कब आती है ये भी आपको बता देता हूं, जब शरीर आपका स्वस्थ होगा तब आप हंस पाओगे। मन मस्त हो, शरीर स्वस्थ हो, तब आपको हंसी आती है। और मन मस्त तब होता है जब आप गलतियां नहीं करते हो, तभी मन में मस्ती आती है। गलतियां करोगे तो मन मस्त नहीं होगा, मन सुस्त रहेगा, पस्त रहेगा, ध्वस्त रहेगा। और अगर अच्छे राह पर चलोगे तो मन चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा और मन मस्त भी रहेगा, तब हंसी आएगी आपको। फिर कांटों की गोद में गुलाब का फूल खिल जाता है तो तुम भी कम से कम दुनिया के समस्याओं के कांटों के बीच में गुलाब के फूल बन करके थोड़ा खिलना भी सीखो। और जिनको हंसी कम आती है वो बीमार भी बहुत होने लग जाते हैं। ये जो जॉइंटों का दर्द है इसमें टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग हंसते नहीं हैं उनका डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ता है, और वो एंटोडर्फिन्स केमिकल बनता नहीं है, आपके शरीर में एंटीबायोटिक बनना कम हो जाता है। और जिनकी ऐसी स्थिति है उनको पंच तुलसी की 7 बूंद पानी में डालकर सुबह और शाम को 1 गिलास पानी में 7 बूंद पंच तुलसी की डालकर पी लेना चाहिए, उससे एंटीबायोटिक और प्लस एंटोडर्फिन्स केमिकल आपके शरीर में पर्याप्त हो जाएगा तो आप बीमार ज्यादा नहीं होंगे। पहले से ही पंच तुलसी कंट्रोल करती है।
और श्री चिवन आयुर्वेद कंपनी की बनी हुई पंच तुलसी शायद यहाँ उपलब्ध होगी। आज मैं भी एक मंगवाया था, सर्दी का मौसम है इसलिए बहुत फायदा करती है पंच तुलसी। लेकिन ये भी मत सोचना 20 बूंद उसको खा ले, बहुत फायदा करती तो नुकसान भी करेगा। उसमें लिखा है 7 बूंद, 5 बूंद, 10 बूंद, जो भी लिखा हो। दवाई बहुत थोड़ी खाना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा आपसे कि अल्पाहारी जो विद्यार्थी होता है उसकी स्मरण शक्ति तेज रहती है, और विद्यार्थी को थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए, अपने माता पिता के कामों में थोड़ा हाथ भी बटा लेना चाहिए आधा घंटे तक, उसी में व्यायाम हो जाता है। व्यायाम के लिए अलग से दौड़ कूद करने की जरूरत नहीं, घर के कामों में ही कर दीजिए, हो जाएगा। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी और विद्यार्थी को गृहस्थ आश्रम का त्याग करना चाहिए। जब तक विद्या अध्ययन करना है तो संसार के भोगों को मत भोगिए, अपने मन को निर्मल रखिए, पवित्र रखिए, और अपने शरीर की ऊर्जा को भी नियंत्रित रखिए, तो आपका विद्यार्थी जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो ये 5 चीजें विद्यार्थियों के लिए बताई गई है, और जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम ये प्रथम आश्रम सुधर गया, याद रखना उसका गृहस्थ आश्रम भी धन्य हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम में भी विवेक पूर्वक प्रवेश होइए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम बहुत जिम्मेदारियों का आश्रम है। इसको साधारण आश्रम मत समझना, इसमें एक से एक बुद्धिमानों की खोपड़ी सब खप जाती है। ये साधारण आश्रम है, और यदि जीवन भर त्याग वैराग्य से रह सको तो मैं निवेदन करूंगा कि फिर संत आश्रम को ज्वाइन कीजिए। संतों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, संत भी बनना चाहिए, और संत बनो तो ऐसे संत बनो, मेरे जैसे संत बनो तो हीवर खेड़ में आकर प्रवचन भी सुनाया करो, ऐसे संत बनो। और माताओं बहनों को भी सोचना चाहिए कि एक बेटा संत हो, और कम से कम एक माता को 4 बच्चों को जन्म देना चाहिए। एक तो संत हो जाए, दूसरा गृहस्थ बनकर तुम्हारी सेवा करे, और तीसरा मिलिट्री में जाकर के देश की रक्षा करे, और चौथा बच्चा राजनीति में जाकर के भोपाल में मिनिस्टर बनकर बैठे। ये 4 बच्चों की जरूरत है, एक राजनीति के लिए होना चाहिए। कभी बहुत विरले माता बहन कोई होगी जो सोचती हो मेरा बेटा संत हो जाए, मैं संत कैसे बना। छोटी सी कहानी है 2 मिनट की, कि मेरी माता जी ने एक संत का दर्शन किया था, दर्शन करके उसके मन में भावना जगी कि मेरा बेटा भी ऐसा महान संत होता तो कितना अच्छा होता। उसके ठीक 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ, और बचपन से मैं बहुत पवित्र रहता था। जब माता जी पैर धोती थी तो मैं कहता था खाट पर बिठाइए, जमीन पर मत खड़ा करना, तो बोलती थी बहुत बड़े पंडित बनते हो, मगर पंडित नहीं महापंडित हूँ, पैर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। तो बोले तो क्या तुम साधु हो, हमने कहा साधु भी बनूंगा। कक्षा 9th में पहुंचे, साधु के विचार सब चमकने लगे। 11वीं में मैंने बोल दिया कि संत बनूंगा। माता जी ने कहा कि तुम जल्दी संत बन जाओ, घर छोड़कर निकल जाओ, यहां कोई काम नहीं है। जितना जल्दी घर छोड़ोगे उतना जल्दी महान बनोगे, और घर छोड़ना तो घर में लौट कर मत आना, इस घर से मोह न करना, ममता न करना, तुम पूरे विश्व की माताओं के लाल बनना, और सारी दुनिया में जाकर के अलख जगाना, यहां घूम कर मत देखना। और जिस दिन से वास्तव में घर छोड़ा मैंने, 7 जून 1987 को, उस दिन से लौट कर उधर देखा नहीं, कुछ भी नहीं। माता जी ने भी यही शिक्षा दिया कि एक काम करो, या तो संत वाला करो या घर वाला करो, इधर तुम्हारा काम कुछ है नहीं। अब संत में जुट पूरा तन मन बुद्धि संत लाइन में पूरा समर्पित कर दिया, उसी का रिजल्ट है कि आज हीवर खेड़ में सत्संग सुना रहा हूं।
कितने लोग संत बनते, एक टांग घर में फंसाए रहते, दूसरी टांग सदवाई में फंसाए रहते, न इधर पूरा पड़ता, न घर के, न घाट के, फालतू जिंदगी निकल जाती है। ये माता जी के आशीर्वाद से संत हुआ, और मेरे गुरु ने कहा कि तुम आश्रम छोड़ दो। आश्रम नेपाल बॉर्डर पर बहुत अच्छा आश्रम है, आम के बगीचे हैं, बहुत सुंदर गुरुदेव ने बनाया है। उन्होंने कहा आश्रम में भी रहने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो, इससे मुंह मोड़ो और तुम निकल जाओ देश विदेश में, और वहां सत्संग सुनाओ, सब वहीं खाने पीने को मिल जाएगा, इधर लौट कर देखने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा चलो, अब घर भी छोटा आश्रम भी छोटा, अब कहाँ रहोगे, अब रहेंगे हीवरखेड़ में। 3 दिन हीवरखेड़ में, 3 दिन लिंगा में, 3 दिन शिवनी के पास, कोई दूसरा गांव वहां, ऐसे 3-3 दिन, 2-2 दिन आज करते करते 32 साल गुजर गए। हर तीसरे दिन मेरा मकान बदल जाता है, किसी का गेट बड़ा है, किसी का गेट छोटा है, किसी में कुंडी नहीं लगती है, किसी खिड़की टूटी है, कोई कमरा टेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, अब कोई कमरे में डेंट पेंट है, कोई कमरे में सेंट लगी है, कोई कमरे में खाली दीवार है, ऊबड़ खाबड़, सब में मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, मुस्करा कर सो जाता हूँ, कोई चिंता नहीं है। कम से कम हमारे लिए लोगों ने 10-10 लाख के मकान बनाए और 3 दिन बिना किराए लिए मुझको रख लिया, ये कोई कम है? दमादम मस्त कलंदर मेरा पहला है, आराम से रहो। फिर सुबह शाम थोड़ा दूध भी दे देते हैं, फल फ्रूट भी दे देते हैं, और निःशुल्क रखते, किराया मांगते नहीं। अभी तक तो नहीं मांगा वो सुखदेव ने, उर्मिला ने, कल जाते समय मांगना ले किराया। और किराया में मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, यही मांगेंगे कि गुरुदेव बार बार आकर दर्शन देना और आशीर्वाद बनाए रखना, और क्या किराया संत से ले। और मुझे तो बहुत सुख मिलता है, संत जीवन में जो सुख है और कहीं नहीं है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे हे नाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक महान संत ने लिखा है कि मरने से पहले मर लिया, पर काश मरना फिर कहा।
70 साल की उम्र पार होने के पश्चात में अपने को मरा हुआ ही समझना चाहिए। उस समय फिर ज्यादा डायरेक्शन मत दीजिए और ना तो ज्यादा रिएक्शन कीजिए, ना करेक्शन कीजिए, बस शांति से रहिए। थोड़ा रामायण पढ़ लिया करो, थोड़ा सा प्रवचन सुन लिया करो, वृद्धावस्था में आराम भी थोड़ा कर लिया करो, ज्यादा हाय हाय में मत पड़ा करो। थोड़ा अपने खेतों की तरफ जाकर पैदल 2-4 किलोमीटर चल दिया करो, व्यायाम हो जाए। और पति पत्नी दोनों मीठी मीठी बातें किया करो, गुस्सा न किया करो। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में अपने आप को रिटायर समझ करके बस शांति से रहना चाहिए। सीतापुर जिले में एक गांव में मेरा प्रवचन था। किसी के घर पधरौनी गया तो उसके बेटे बहुओं ने कहा कि मेरे सास ससुर को, मेरे पिताजी को थोड़ा समझा दीजिए आप। मैंने कहा क्या समझाना, बोले कुछ बोलते ही नहीं है, और जब तक पूछो ना तब तक खाते भी नहीं है, और जब तक कहो ना तब तक ये बैठे ही रहते। तो मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, बोले हमने बोलकर बहुत देख लिया, डायरेक्शन देकर देख लिया, सब उल्टा रिएक्शन ही होता जा रहा था। तो बोला अब मैं रामायण खोल लेता हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, बेचे ही दूध मिला वही पानी, गाता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ। भोजन के लिए बेटे बहू कहते हैं तो खा लेता हूँ, नहीं कहते हैं तो भूखा बैठ करके व्रत कर देता हूँ। अब ये सब मेरी चिंता करने लगे, फिक्र करने लगे, और सब खुश रहते हैं और मैं इनके बारे में कुछ भी बोलता ही नहीं। एक उम्र ऐसी आती है जो आप मौन भी साधिए थोड़ा। एक उम्र ऐसी आ जाती है जो आपके कान सुनना बंद कर देते हैं तो सुनने की इच्छा भी मत रखिए। और एक उम्र ऐसी आपकी आ जाती है जो कि आपकी जवान बोलना भी कम कर देती है, कम बोलिए। अपने आप को संतोष में डुबा दीजिए और हर समय प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। और अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लीजिए कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, आत्मा की शांति बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बेटे बहुओं को आशीर्वाद दीजिए और अपने घर को मंदिर समझ करके रहिए, और प्रवचन की आवाज गूंजती रहे आपके कानों में। आपका संसार सुखी हो और आपके मन में सदैव शांति रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आपको एक ये भी बात बताता हूँ कि टीवी चैनल में कभी कभी प्रवचन बंद हो जाता है, इसके लिए आप प्रवचन के पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड यहाँ से लीजिए, बराबर सुनते रहिए। यूट्यूब में जो लोग प्रवचन सुनते हैं कृपया असंग देव सर्च कीजिए, उसमें सब प्रवचन आते हैं, और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक में लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ताकि प्रवचन का प्रचार हो और घर घर का कलह कलेश दूर हो, शांति आए, इतना पुण्य कीजिए। और टीवी चैनल में आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे प्रवचन का लाभ लीजिए, 20 मिनट का आता है केवल। और प्रयागराज कुंभ मेला में 1 फरवरी से 21 फरवरी तक मेरा स्टॉपेज रहेगा, उसके लिए आपका सादर आमंत्रण है। और प्रयाग कुंभ मेला के लिए जिन जिन भक्तों ने ला करके अन्नदान गेहूं दान दिया है उनके लिए व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है, उनके घर में अन्न और प्रसन्न ये दोनों चीजें बनी रहे और उनका शांति मिले। आपका ये अन्न प्रयाग कुंभ में खर्च होगा। और जिन भक्तों ने मंडप में बधे हुए दान डिब्बों में गौ सेवा के लिए दान डाला है उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। हमारे आश्रम में छत्तीसगढ़ में ऐसा गौ सेवा केंद्र है जहाँ पर बूढ़ी लूली लंगड़ी कमजोर अंधी गायें रहती हैं और उनकी सेवा होती है, लोग सब छोड़ के चले गए वहाँ, उनको गुड़ भी खिलाया जाता है और आत्म शांति के लिए, मन की शांति के लिए 2-3 चीजें आपको करना पड़ेगा। एक तो प्रवचन सुनना पड़ेगा, दूसरे सत साहित्य का अध्ययन भी करना पड़ेगा,
तीसरे आपको सुबह शाम 10-10 मिनट ध्यान करना पड़ेगा, और चौथे आपको थोड़ा गम भी खाना पड़ेगा तो मन में शांति रहे। इसके लिए सत साहित्य सेंटर पर जा करके पुस्तकें ले लेना छोटी छोटी, उससे शांति मिलेगी। अपने दामाद को भी दे देना, रिश्तेदारों को भी दे देना, क्योंकि वो भी अशांति देते हैं कभी कभी। और बहुत बड़ी बात है ये कि आपके घर में हीरो हीरोइन की तस्वीरें न दिखाई दें, वहाँ पर कोई संत महान पुरुषों की तस्वीर लगाना, जिससे कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा बला का प्रभाव कम हो और आपका घर का क्रोध कम हो, घर में शांति आएगी। ये भी और जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, वे अपने पैर के तलवा में पीली सरसों का तेल पैर के तलवा में हाथ की गदेली में मालिश कर दे, उसको बहुत बड़ी बात होगी। पैर के तलवा में पीली सरसों का तेल मालिश कीजिए और गदेली में मालिश कीजिए, और थोड़ा सा धूप में आप लेट जाइए एक घंटा तक, आपके शरीर की कम से कम 80% बीमारियां निकल कर बाहर हो जाएंगी। दूसरा आपको ये करना पड़ेगा, यदि आपका शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा है तो आज चुपके से एक चीज बता देता हूं, उसको खा लेना, शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी। चार छुहारा 10 मुनक्का, आधा गिलास दूध, एक घंटे पहले छुहारा मुनक्का भिगा दीजिए, गुठली बीज निकाल दीजिए, खाने के बाद आधा गिलास गरम गरम दूध पी लीजिए, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देगा, बुढ़ापा 10 साल लेट आएगा। और ऐसे लोग कृपया याद रखना, आयुर्वेदिक दवाओं का पहले प्रयोग कीजिएगा, ये जड़ से बीमारियां निकालती हैं आयुर्वेदिक दवाएं, और फिर ज्यादा तकलीफ हो तो एलोपैथिक भी ले लेना, और थोड़ा शरीर से महिलाएं व्यायाम भी करें, क्योंकि महिलाओं के पास में कोई काम नहीं रह गया है। और शरीर यदि आपका बहुत भारी हो जाएगा तो सुंदरता कम हो जाएगी, इसलिए सुंदर बने रहना है तो इसको थोड़ा हल्का भी कीजिए। और ये भी निवेदन करूंगा, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाइए, इससे आपका आकर्षण कम होता है। और घर में अपने टिल 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 मत कीजिए, इससे आपका प्रभाव कम हो जाता है। और नाराज मत होइए, इससे आपका सम्मान कम हो जाता है, इसलिए नाराज भी मत हुआ करो। और स्वभाव को बिगड़ने मत दो, इसी का नाम तो माया जाल है, यही तो माया का संसार, यहां तो स्वभाव बिगड़ जाता है। जैसा तुम्हारा स्वभाव बचपन में था, ससुराल में पहुंचने पर स्वभाव धीरे धीरे बिगड़ता है। कितनी लड़कियां कहती हैं, जब से ससुराल में आए तब से तो हम नरक में पड़ गए, आए थे स्वर्ग में पड़ने पड़ गए नरक में, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा शांतिपूर्वक अपनी गृहस्थी को चलाइए, अनावश्यक खर्चे भी मत कीजिए, फिजूल खर्ची से भी बचिए। पैसे अगर हैं तो अच्छा मकान बनाइए, बच्चों की ऊंची शिक्षा दिलाइए, पैसे हैं तो अच्छी गाड़ी लाइए, कार लाइए। गले का हार सस्ता हो लेकिन कार महंगी होनी चाहिए, ऐसा विचार करिए आप। साड़ी सस्ती गाड़ी महंगी पहन, ये साड़ी में क्या, ये साड़ी तुमको लाद कर बैतूल नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन गाड़ी तुमको लाद कर बैतूल पहुंचा देगी। गाड़ी रखो और फिर साड़ी भी अच्छी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। और कभी कभी साड़ी दान भी दे दिया करो, इतना दिल उदार बनाइए, जिन गरीब औरतों की फटी साड़ियां हैं उनको एक दान दे दो, पुरानी भी दान दे दो। पुराना वस्तु दान देने से भी पुण्य कम नहीं होता है, क्योंकि जिनके पास है ही नहीं उनको पुराना भी मिल जाए तो भी वे धन्य हो जाते हैं। दीपावली में जब सफाई करते हो तो घर की पुरानी कुर्सी मेज भी दान किया करो और नया खरीद कर लगा दिया करो।
पुरुषों से भी कहूंगा अपना पेंट शर्ट भी दान कर दिया करो, उधर से अंडरवियर पहन कर लौटो। घर में पत्नियां पूछे क्या हुआ, बोलो दान हो गया। पूछे कैसे दान हुआ, बोले असंग देव ने कहा था दे दिया। पेंट शर्ट भी दान करो, पुरानी रजाई हो गई उसको भी दान कर दो, गद्दा दान कर दो। अभी कुंभ मेला वो इलाहाबाद में 400 रजाई 400 गद्दा नया बनकर आश्रम तरफ से आया है, और कुंभ मेला के बाद उसमें से आधे से ज्यादा हमको दान करना है, बस हुर्र फुर्र कर देना है, ले जाओ। तो हमारे संत कह रहे थे बहुत बड़ा संकल्प लिया है हमने, का सब लुटा देना है, और 5 लाख के किराए से रजाई गद्दा आपके हरदा से बहुत बड़ा ट्रक भर के गया है, 5 लाख उसका किराया है। क्योंकि वहां भोजन भले एक मीटिंग कम मिले, पर ओढ़ने को रजाई तो मिलना चाहिए, व्यवस्था बनाई जा रही है, और फिर किसी से शुल्क नहीं लिया जाएगा। कि ऐसा नहीं कि रजाई के पैसा दो और भोजन में फालतू काम नहीं करेंगे, सब निःशुल्क सेवा। और इस सेवा में बहुत लोग अपना अपना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जिन्होंने गेहूं दिया है ये भी पुण्य के भागीदार है, जिन्होंने पैसे दिया वो भी भागीदार है, और हमको जो तुम दक्षिणा वक्षिणा दे रहे हो ये सब उसी में लगा दूंगा। तुम्हारे जैसे भक्त लोग आएंगे वे सब वहां इसी को खर्च करके सेवा कर दूंगा, तुम्हारा दिया हुआ दान हम तुम्हारी ही सेवा में लगाते हैं। और हमारे कोई परिवार भी नहीं है, कुछ लफड़ा है ही नहीं, बीड़ी पीता नहीं है, फालतू खर्चा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ बीच में मध्यस्थ बनता हूं, तुमसे लेकर के भंडारा कर देता हूं। और ऐसे कुंभ मेलों में जहां पर करोड़ों लोग आते भटकते रहते, रहने का ठिकाना नहीं, उनके लिए प्रबंध करता हूं। जिसको कोई अपने कैंप में ना रखे वो मेरे कैंप में आ जाए, जो किसी का चेला नहीं वो मेरा हो गया, और जिसको कहीं द्वार खुला नहीं हमारे यहां जाओ सब ठीक है। 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 आ जाओ कोई बात ही नहीं है, सबके लिए दिल खुला है। जो गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, दारू पीता है, वो पहले आ जाओ हमारे यहां, सब सुधर जाओगे, धीरे धीरे प्रेम मिलेगा जब। ऐसा स्थान, और गुरु से मंत्र भी लेना, गुरु दीक्षा भी लेना, गुरु का नाम दान भी लेना। कल कम से कम रात्रि में 10 बजे के करीब 11 बजे के करीब हमारे श्री सुखदेव जी के घर में उनके रिश्तेदार घर के लोग और सरपंच श्री विश्वनाथ जी धोटे, उन्होंने भी नाम दान प्राप्त किया, और कल सवेरे सरपंच जी के पावन घर में 9 बजे हमारा आगमन होगा और वहां पर जलपान नाश्ता होगा। ये सरपंच बहुत दिलावर आदमी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वक्ता आदमी है, उसको 21 दिन के लिए न्योता दिया हूं मैं कि पति पत्नी दोनों कुंभ मेला में आना, और दोनों की ड्यूटी रहेगी बिस्तर व्यवस्थापक प्लस मंच संचालक, सबको बिस्तर व्यवस्था करना, अपने ऑफिस में बैठकर कमरे इशू कीजिए, गद्दे इशू कीजिए, सबका सेटिंग देखिए, और पति पत्नी दोनों आइए, पत्नी माताओं को संभाले, तुम पिताओं को संभालो, दोनों आकर सेवा करो। और आपसे भी कहता हूँ, जिसके पास में ऐसा भाव हो कि मैं शरीर से भी सेवा करूँ, आपका सादर आमंत्रण है, आकर सेवा कीजिए। रामदयाल जीतपुरे आप भी आइए सेवा कीजिए, प्रेम जी तुम भी आ जाना सेवा कर देना, धन्य हो सेवा का लाभ लेना। कृष्णा नागले मान जाना बेटा आ जाना, सबको सेवा करना चाहिए। और मैं भी वहां पूड़ी परोसूंगा किसी किसी रोज आकर, ये सिंहस्थ कुंभ में भी एक दिन पूड़ी परोसा था, लेकिन वो लोग परोसने नहीं देते, लोग हमारे चरण छूने लगते तो बढ़ना मुश्किल हमको। और मैं वहां जब सिंहस्थ कुंभ में भोजनालय में गया तो वहां कम से कम 5,000 लोग दौड़े मेरी गाड़ी की ओर चरण छूने, तो मैंने कहा रही यहां तो देखने मुश्किल, सिर्फ 2 बार भोजनालय में पहुंचा मैं, बहुत लोगों की इच्छा थी चरण छू लूं। लेकिन जिस समय गुरुदेव
सुपरविजन कर रहे हों, निरीक्षण कर रहे हों, उस समय उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, सबको रोकना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि संपूर्ण व्यवस्था पर पड़ जाएगी तो व्यवस्था जो है टॉप की बनी रहेगी। को देखने दो, वहां पांव छूने के लिए दौड़ो मत। और मैं आपके यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ। ये हीवर खेड़ की धरा धन्य है, यहाँ के नर नारी धन्य है, इस क्षेत्र की माताएं बहनें पुरुष बंधु सब महान हैं, जो आज करीब करीब 15,000 की संख्या में लोग एकत्र हुए हैं, सड़क तक सब फूल दिखाई दे रहा है, ये आपकी श्रद्धा का ही प्रभाव है। सुखदेव जी, उर्मिला बाई, दोनों खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो एक बार। कृष्णा नागले और अनीता, क्या नाम, खड़ी है, ताली बजा दो इनके लिए जोरदार एक बार। अब मेरी इच्छा है आप घुटनों पर हाथ रखिए और पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, तीन उंगुलियां फैलाइए और एक मिनट मंत्र बोल दीजिए, ऐसा मंत्र जो आपके घर का दरिद्र मिटे। दारिद्र्यनाशनम् दानम् शीलम् दुर्गतिनाशनम् अज्ञाननाशिनी प्रज्ञाभावनाभयनाशिनी। ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता एक मिनट इष्ट देव का ध्यान कर ले, आंखें बंद करके रीढ़ सीधी करके। दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल उंगलियां मुखमंडल पर स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोलें सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री क्षमा देव की जय, संत प्रौढ़ श्री गुरुमन देव की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। ताली बजा दीजिए। जिन जिन भक्तों ने पोस्टर चिपकाने में सेवा किया है, ये जमीन देने में सेवा किया है, इधर पार्किंग के लिए जमीन दिया है, संतों के भंडारा ठहरने का स्थान दिया है, उनको भी व्यासगादी सुखदेव सिंह की ओर से और उर्मिलाबाई की ओर से धन्यवाद दे रही है। ताली बजा दीजिए। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती का पुण्य लें। ज्ञान आधार विवेक की बात। सुरति जोत जहाँ जाहिब आरती हो, सुरति जोत जहाँ जा
साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो। सतगुरु साहेब की आरती करो, सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती करीब निवास साहेब आरती हो। गुरु चरण शरण भयो, परस परस गुरु चरण शरण, टूटी गयो यम की जा साहेब आरती, टूटी गयो यम की जा साहेब आरती, आरती गरीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परख परका साहेब आरती, भया हो परख परका साहेब आरती हो, आरती करीब निवास साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। बोली सतगुरुदेव की जय।